साथियों, आज बात करेंगे होरा कुंडली की। होरा कुंडली लगन कुंडली के दूसरे भाव का एनालिसिस करने के लिए होती है। जीवन के किसी भी विषय की जानकारी लेनी हो तो लगन कुंडली देखी जाती है, किंतु लगन कुंडली के अलावा षोड़श वर्ग अर्थात 16 वर्ग कुंडलियां अन्य भी होती हैं, जिनमें से एक कुंडली जिसका नाम होरा कुंडली है। आज हम होरा कुंडली की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। होरा कुंडली विशेष तौर पर धन के बारे में सूक्ष्म जानकारी देती है। जिस तरह दूसरे भाव से धन, वाणी, कुटुंब, आरंभिक शिक्षा, जातक के बचपन के बारे में तथा मारकता के बारे में देखा जाता है, उन सभी बातों की यदि हमें सूक्ष्म जानकारी चाहिए तो हमें होरा कुंडली देखनी होगी। इसके अतिरिक्त होरा कुंडली से राजयोग भी देखे जाते हैं। होरा कुंडली के द्वारा धन योग कैसे बनता है, ये जानने से पहले होरा कुंडली के विषय में समझना जरूरी है। होरा कुंडली की एक विशेषता ये है कि होरा कुंडली में केवल दो ही लगन होते हैं, सिंह लगन और कर्क लगन। कुंडली के 9 ग्रहों को इन्हीं 2 लग्नों में बांटा जाता है, अर्थात सभी ग्रह केवल 2 भावों में ही लिखे जाएंगे। बाकी सभी कुंडलियों में राहु केतु एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं, किंतु होरा कुंडली की एक विशेषता ये भी है कि इसमें राहु और केतु एक ही लगन में इकट्ठे हो सकते हैं। होरा लगन कुंडली का निर्माण करते समय सभी ग्रहों के लिए हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि हरेक प्लैनेट होरा कुंडली में केवल 2 ही तरीकों से जा सकता है। यदि ऑड नंबर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ हुए तो इनकी प्रथम होरा 0 से 15 अंशों तक सूर्य की होरा रहेगी और इससे आगे के अंश 16 से लेकर 30 तक के अंशों में दूसरी होरा अर्थात चंद्र की होरा होगी। इसी तरह हमने इवन नंबरों में भी देखना है, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं और बारहवीं राशि। इन राशियों में प्रथम अंश 0 से 15 तक अंशों तक चंद्र की होरा रहेगी और बाद वाले 16 से 30 अंशों तक सूर्य की होरा रहेगी। होरा कुंडली की तीसरी विशेषता ये है कि सूर्य होरा के स्वामी देव या देवियां होते हैं तथा चंद्र होरा के स्वामी पितृ होते हैं, अर्थात हमारे पूर्वज होते हैं। विषम राशि 0 से 15 सूर्य की होरा और 16 से 30 चंद्र की होरा। इसी तरह सम राशि 0 से 15 चंद्र होरा और 16 से 30 सूर्य होरा रहेगी। होरा कुंडली का निर्माण राशि के 2 भाग करने से होता है, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, इस कारण 15-15 अंशों के 2 हिस्से हो जाएंगे। होरा कुंडली में केवल 2 ही लगन होंगे, सूर्य लगन जा चंद्र लगन, अर्थात लगन में अंक 5 या 4 दोनों में से एक ही होगा। राशियां 2 तरह की होती हैं, विषम तथा सम। विषम अर्थात ऑड राशि के ग्रह 0 से 15 अंशों के भीतर सूर्य की होरा में रहते हैं और 16 से 30 के अंश चंद्र की होरा में चले जाएंगे। इसी तरह सम राशि अर्थात इवन साइन में 0 से 15 के अंशों के भीतर जितने भी ग्रह होंगे वो चंद्र की होरा में रहेंगे और 16 से लेकर 30 के अंशों वाले ग्रह सूर्य की होरा में चले जाएंगे। होरा कुंडली में जितने भी ग्रह सूर्य लगन होरा अर्थात सूर्य की होरा में होंगे, उन ग्रहों के उपाय देवता या देवियों की पूजा अर्चना करने से पूर्ण होंगे और होरा कुंडली में जितने भी ग्रह चंद्र लगन होरा में होंगे, उन ग्रहों के उपाय पितृ अर्थात पूर्वजों की कृपा से होंगे। सिंह लगन होरा के अधिष्ठाता देवता होते हैं। व्यक्ति केवल कल्पना ही नहीं करता बल्कि रियलिटी में स्वयं मेहनत करके धन कमाने का प्रयास करता है और स्वयं के प्रयास से तथा देवताओं की कृपा से धन प्राप्ति के साधन बनते हैं, किंतु कर्क लगन होरा के अधिष्ठाता पूर्वज हमारे पितृ होते हैं, इसलिए धन दिलाने में पूर्वजों अर्थात पुरखों की जायदाद इत्यादि धन स्वरूप व्यक्ति को मिल जाती है। या फिर धन संबंधी जो भी कष्ट हो तो पितरों के लिए किए गए उपाय ही काम करेंगे, क्योंकि पितर या पूर्वज ही धन दिलाने में व्यक्ति की सपोर्ट करते हैं। सूर्य
मंगल गुरु, ये पुरुष ग्रह हैं। पुरुष ग्रह यदि सिंह लगन में होंगे, क्योंकि सिंह लगन अर्थात सिंह राशि पुरुष राशि है, तो सूर्य मंगल गुरु आदि पुरुष ग्रह यदि सिंह लगन में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती और निपुण होता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है, वह प्रतिष्ठा पाता है, वह व्यक्ति सामान्य से ज्यादा ऊर्जावान होता है। इसके अलावा स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र शनि ये कर्क लगन होरा में तथा बुध दोनों ही होरा में अच्छा फल देते हैं। लगन कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी यदि क्रूर ग्रह हुआ, जब दूसरे भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए और वे क्रूर ग्रह सूर्य के होरा में आ जाए, यहाँ बात लगन कुंडली के दूसरे भाव की कर रही हूँ कि दूसरे भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं जहाँ उस भाव का स्वामी क्रूर है, तब यदि वो वाले ग्रह सूर्य होरा कुंडली में आ जाए तो शुभ फल देंगे, और यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह है या फिर वहां पर शुभ ग्रहों की राशि है तो उस राशि स्वामी और वो शुभ ग्रह यदि चंद्र होरा कुंडली में आ जाए तब भी वे भी बहुत शुभ फल देंगे। अर्थात यदि वहां पर शुभ ग्रह है या शुभ राशि है तो चंद्र होरा कुंडली में शुभ फल देंगे, और यदि वहां पर दूसरे भाव में क्रूर ग्रह है या क्रूर राशि है उस राशि के स्वामी सूर्य होरा कुंडली में अच्छा फल देंगे। होरा कुंडली तथा लगन कुंडली दोनों में राजयोग होने पर ही अच्छी तरह फलीभूत होंगे। अब ऐसा नहीं है कि केवल होरा कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं या केवल लगन कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, धन देखने के लिए दोनों कुंडलियों को देखना पड़ेगा। लगन कुंडली तथा होरा कुंडली दोनों का एक साथ फल कैसे देखते हैं अभी हम ये जानेंगे। सूर्य होरा कुंडली में, सूर्य यदि अपनी ही होरा में हो तो बलवान माना जाता है, इसी तरह यदि चंद्र होरा कुंडली में चंद्र अपनी ही होरा में हो तो चंद्र भी बलवान माना जाएगा। इसी तरह D1 अर्थात जन्म लगन कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में या दशम भाव में हो तो अधिक बलवान माना जाता है। इसी तरह चंद्र वृषभ राशि का, कर्क राशि का दूसरे भाव में, चौथे भाव में जब भाग्य भाव में बलवान माना जाता है, किंतु चंद्र अंशों में मजबूत होना चाहिए, पूर्ण किरणों से युक्त होना चाहिए। पूर्णिमा से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद का चंद्रमा बहुत बली होता है। दोनों कुंडलियों में सूर्य चंद्र यदि बली हैं तो अच्छे राजयोग बनेंगे। इन दोनों के कमजोर होने से सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। सूर्य तुला राशि में तथा चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच होते हैं। राहु केतु शनि यदि सूर्य चंद्र के साथ हो तो पितृ दोष का निर्माण कर देंगे, जिसके कारण राजयोग केवल 30% अच्छा फल देंगे और 70% कम फल देंगे। इसके अतिरिक्त यदि अमावस्या का चंद्रमा हो, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल बलहीन होता है, तब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होंगे और अशुभ फल देंगे। किसी भी लगन कुंडली के धनेश तथा लग्नेश यदि दोनों सिंह होरा लगन कुंडली में होंगे तो शुभ फल देंगे। यहाँ पर विषम और सम राशि का विचार नहीं किया जाएगा और 36 साल के बाद ऐसा जातक सर्व सुख संपन्न हो जाता है। जन्म लगन कुंडली का धनेश तथा कारक ग्रह गुरु यदि ये दोनों एक साथ हों और सिंह लगन की होरा में बैठ जाएं तब भी जातक 36 साल के बाद आर्थिक सुधार पाता है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी अति उत्तम होती है, उसे कुटुंब का पूरा सुख मिलता है। इस नियम में भी विषम और सम संख्या का विचार नहीं किया जाएगा। जन्म लगन कुंडली में दूसरा भाव, नौवा भाव और ग्यारहवा भाव, इन तीनों भावों के स्वामी जन्म लगन कुंडली के अंदर यदि अपनी राशि में हो, मित्र क्षेत्रीय हो या उच्च राशि में बैठे हुए हो, या शुभ भाव में शुभता लिए हुए बैठे हो तथा होरा कुंडली में सिंह लगन की होरा में भी युति में ही बैठे हो, अर्थात लगन कुंडली के धनेश भाग्येश और लाभेश ये तीनों सिंह लगन होरा में इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और प्रोफेशनल होता है। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, वकील इत्यादि बनते हैं और बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं और उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी ही होती है। यदि लगन कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी धनेश तथा लाभेश सहित अर्थात
प्रथम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी तथा ग्यारहवें भाव का स्वामी। लगन कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तथा होरा कुंडली के सिंह लगन की होरा में, इनमें से जितने अधिक ग्रह होंगे व्यक्ति उतना ही अधिक सुखी होगा। धन के मामले में वह उत्तम व्यापारी होगा, समाज के लिए दान पुण्य करने वाला और दयालु इंसान होता है। विशेष तौर पर लगन कुंडली के प्रथम, द्वितीय, पंचम और नवम भावों के स्वामी शुभ केंद्र त्रिकोण में हो तथा होरा कुंडली के अंदर भी सूर्य की होरा में ही बैठे हो तो व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध आर्टिस्ट होता है। बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों की पत्रिका में ये योग मिलता है। ऐसे जातक परोपकारी दयालु होते हैं और ऐसे जातक डांसर, सिंगर इत्यादि जो फिल्मी क्षेत्र में किसी ना किसी खास कला से धन अर्जित करते हैं। होरा लगन कुंडली के सिंह लगन की होरा में पांच या पांच से अधिक ग्रह बैठे हो तो भी सुफल मिलेगा। ऐसा जातक सामान्य घर में पैदा होकर भी एक दिन धनवान, कीर्तिमान, जशवान बनता है। वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है। 36 साल के बाद वो भी सर्वसुख प्राप्त करता है। जन्म लगन कुंडली के मार्क भाव जैसे दूसरा, सातवां, आठवां, तीसरा और त्रिक भाव छठा और बारह, इन मार्क भावों में से कोई भी दो मार्क भावों के स्वामी यदि राहु केतु के साथ होरा कुंडली में, सिंह लगन की होरा में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति धन तो बहुत कमाते हैं किंतु उनके पास धन टिकता नहीं। हमेशा आमदन से ज्यादा उनका खर्चा हो जाएगा। आमदन जितनी मर्जी अधिक हो लेकिन बचत नहीं होती और वह सामान्य जीवन ही जी पाते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म लगन कुंडली के कारक ग्रह जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव के स्वामी यदि जन्म लगन कुंडली के 6-8-12 भावों में धनेश के साथ ज्योति करके बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी तो बहुत बनाएंगे किंतु उस प्रॉपर्टी का पूरा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। वे या तो अपनी प्रॉपर्टी से बहुत दूर रहते होंगे इस कारण से, या फिर वो इतने व्यस्त हैं कि अपनी व्यस्तता के कारण प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते होंगे, या किसी भी अन्य कारण से उस प्रॉपर्टी का सुख वो स्वयं नहीं भोग पाएंगे। इसके अतिरिक्त कई बार उनकी प्रॉपर्टी धन की कमी के कारण बिक भी जाती है या फिर किसी के द्वारा धोखे से हथिया ली जाती है। ज्यादातर उनके अपनों के द्वारा ही हड़प ली जाती है। यदि ये दोनों स्थितियां होरा लगन कुंडली में भी बनी हो, अर्थात शुभ और अशुभ भावों के स्वामी एक ही होरा में इकट्ठे हो तो फल 100% अशुभ होगा। विषम राशि 0 से 15 सूर्य होरा और 16 से 30 चंद्र होरा। सम राशि 0 से 15 चंद्र होरा और 16 से 30 सूर्य होरा। सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, बुध, सूर्य होरा में अच्छा फल देगी। और यदि यही ग्रह विषम राशि में से आए, अर्थात विषम राशि के 1 से 15 अंशों से आए तब बेहतरीन रिजल्ट होगा। विषम राशि के अब 0 से 15 के भी हमने आगे जाकर 3 भाग बनाए हैं। 0 से 5 में अगर ग्रह हैं तो उनका रिजल्ट 100% शुभ होगा और यदि ग्रह 6 अंश से लेकर 10 अंश तक हुए तो 75% अच्छा फल देंगे। और यदि विषम राशि के ग्रह 11 से 15 अंशों के भीतर हुए तो 50% शुभ फल देंगे। अगर इससे अधिक अंशों में हुए तो फल की मात्रा इसी प्रकार घटती जाएगी और अंत में 0% शुभता रहेगी। अब चंद्र की होरा में बात करेंगे कि चंद्र की होरा में चंद्र, शुक्र, शनि, केतु और बुध ये चंद्र होरा में अच्छा फल देते हैं। और यदि यही ग्रह मान लो सम राशि में से आए, अर्थात सम राशि के 0 से 15 अंशों में से आए तो अति बेहतरीन फल देंगे। चंद्र होरा में आने वाले ग्रह यदि सम राशि के 0 से 5 अंशों के भीतर हुए तो 100% अच्छा फल देंगे। इसी तरह यदि 6 अंश से लेकर 10 अंशों के अंदर हुए तो 75% अच्छा फल देंगे। और यदि यही सम राशि से आए हुए ग्रह 11 से 15 अंशों के भीतर हैं तो उनका शुभ फल 50% रह जाएगा। इससे आगे अगर होंगे तो वो सूर्य की होरा में चले जाएंगे और इसी तरह उनका जो फल है वो भी कम होता जाएगा। आज के लिए तो बस इतना ही। मिलती हूँ जल्द ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।